रोज काबू में रहता है। मुझे मार देंगे वो। पुलिस ने मुझ पे गोली चलाई है। वो क्या बम फेंकेंगे? तुम्हारी इस आवाज के कारण मैं कितनी परेशान होती हूँ पता है? वो बच्ची वहाँ सो रही है, दया करके चीखना बंद करो। उसे स्कूल भेजना है और फिर कभी उसे बाहर लेकर जाकर कुछ खिलाना पिलाना है। तुम्हारे मन में ऐसे विचार आए हैं क्या? नहीं ना, कभी पुलिस कभी गोली, इसी तरह बड़बड़ाना, मेरी तो किस्मत ही खोटी है। कितने बार मैंने तुमसे कहा है, ये सारे कर्ज और केस के खत्म होते ही हमारी बिटिया को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल में दाखिला दिलाएंगे। तुम्हारी कसम बोल रहा हूँ मैं। 1.5 करोड़ रुपए, इतने ही कर्ज है मेरे। इन कर्जों को चुका कर अपनी बिटिया की जिंदगी को सवार दूंगा मैं। तुम भी देखना, पानी पियो। रोज तो पिलाते हो ना, बड़ा आया पति देव। हेलो हेलो, हाँ वाह, सुबह सुबह तुम लोगों ने शुरू कर दी, अब ये सब कब खत्म करोगे? खा पी के कमरे को इन्होंने नरक चौदस बना दिया है, और सफाई के लिए रहा ये बेचारा सामी। बहुत दिनों से घर में चावल वगैरह कुछ भी नहीं है, उसकी किसी को परवाह नहीं है, इन्हें केवल टंकी भर ठर्रा चाहिए गटकने को। सुजीत, तुम्हें एक बार ने कई बार समझाया है कि खाने के पैसों से कभी दारू मत खरीदना। भूख लगी कहकर तुम कभी मेरे पास मत आ जाना। तुम्हें रोटी मिले या फिर ना मिले, सही वक्त पर दारू मिल रही है ना। सनम क्या है, इस तरह टेररिज्म मत फैलाओ। अगर ऐसी बात है तो हमारी पगार देके हमें आगे भेजो। जोरो को देखे हुए 2 साल हो गए। जिस रितु को मैंने दिलो जान से प्यार किया, वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर। अगर किसी खंबे को साड़ी पहना दो तो तुम उसके पीछे भी भागोगे। सनल, अगर इस तरह की बात करोगे तो हमें भी मुंह खोलना पड़ेगा। बस करो भाई, ये लो इन पैसों से तुम लोग अपने लिए राशन पानी खरीद लेना। साबुन और पेस्ट भी खत्म हो गए। एक बोतल दारू लेके सर पे लगाओ, बाल साफ हो जाएंगे। विजय चाचा मेरे साथ चलो, इस जरूरी काम से जाना है। अरे थोड़ी सी दारू है ना। ये क्या, फटाफट पैन पैन क्या। अरे अरे वो ठर्रा की झील में डुबकी लगाते हुए कीड़े कमबख्त मरते भी नहीं कहीं जाके। कुछ नहीं होने वाला और पैसे भी नहीं मिलने वाले, और सोनी के ब्याज चुकाने के लिए भी पैसे नहीं है। अरे ब्याज कितने भी चुकाओ लेकिन खत्म नहीं होगा। सब लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ तक आप भी। मैं केजरीवाल नहीं, उसी दिन पैसे मिलते ही चले गए होते। जो जरा हमारी हालत के बारे सोचो। कैसी हालत, इस मामले में तुम लोग सोनी से कम नहीं हो। अरे वाह बेटा, रुको, कहाँ जा रहे हो? हाय, रुक जा। कम ऑन कम ऑन। हाय, शॉपिंग करके आ रहे हो? जी हाँ, थोड़ा सामान लेने गया था। अच्छा, कल तुम अपने कंपनी के ड्राइवर सुजीत को मेरे पास भेज देना, ओमान तक जाना है, लॉन्ग ड्राइव, वो भी इतनी दूर तक जाना मेरे बस की बात नहीं। ओके नो प्रॉब्लम, मैं उसे बोल देता हूँ। अच्छा ये लो, इसमें तुम्हारी पसंद की चिकन है, जरा पेपर ज्यादा डालो। पेपर ज्यादा डाल दिया तो फिर दूसरा नहीं खाएगा ना। तुम्हें अपनी बेटी की थोड़ी भी फिक्र है? बहुत स्वार्थी हो, आई नो यू। शुरू हो गई कल्याणी खामखा, किस लिए मेरा दिमाग खराब कर रही हो तुम? पता नहीं क्या हो गया। Thank you.
रिमोट कहाँ है? Maximum exposure. Economy has improved. Expert views and critical business information. Keep it on the ship. It's your squawk box. Rich and rich. Sexy, classy. पापा इसे खोल के देना। अब बेटी मम्मी के पास जाओ जाओ जाओ। माँ इसे खोल के देना। मीनू तंग मत करो, जाओ यहाँ से। Gonna try and do this as long as I can. Acting's kind of come up. ये गाना पसंद है तुम्हें? इसकी कोई कमी नहीं। ये क्या कल्याणी, किस लिए दूर दूर भाग रही हो? अच्छे वक्त पे आई हो। क्या वक्त तो अच्छा ही है। चलो छोड़ो, मुझे खाना बनाने दो। अरे रूठो मत कल्याणी। हे चिकन बना रही हो? मटन। तो फिर चिकन कहाँ गई? हाँ बोलो। हेलो किशोर भैया। नहीं किशोर भैया, कुछ नहीं हुआ। एक दो रुपये नहीं ना। हाँ अभी देती हूँ। सनल किशोर भैया हैं, उन्हें तुमसे बात करनी है। कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। जरूरी बात उसने तुमसे कर ली ना, फिर मुझसे क्या करनी है? प्लीज बात करो ना। हाँ हेलो, मेरी प्रॉब्लम मुझे ही सॉल्व करनी है ना कि आपको। यहाँ की प्रॉब्लम मैं ही सुलझा दूंगा, मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। और फिर इस मामले में ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश मत करना तुम। हेलो बना लो, सबको दुश्मन बना लो। अब कौन है बोलो? आफत में मदद करने वाले थे वो, उससे भी दुश्मनी मोड़ ली। उन्हें क्या पड़ी है मदद करने की? मेरे भाई होने के नाते उन्होंने मदद की, ये मत भूलो तुम। तुम्हारी अपनी बेटी यहाँ पासपोर्ट के बिना यहाँ रह रही है, वो उनकी नहीं तुम्हारी संतान है। क्या सबूत है? हम दोनों को मार के तुम भी मर जाओ। भूख सहलेगी लेकिन कोई भी औरत ये बात नहीं सह पाएगी। हेलो तुम कैंप में ही हो ना? कुछ नहीं यार, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे सोनी, अरे मेरे भाई सनल कहाँ भाग रहे हो? तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। अरे तुम्हारा घर मुझे पता है। कल्याणी बहन के हाथ से खाना खाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, वो दिन कब आएगा पता नहीं। हाँ अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अरे पैसे कहाँ हैं? हाँ? ओ सोनी, दो दिन के अंदर चुका दूंगा। घर में भी कुछ नहीं है, एक फूटी कौड़ी नहीं है हाथ में, ब्याज जल्द चुका दूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है तुमसे। तुम जैसा हारा हुआ बिजनेसमैन जिसके ऊपर कई केस दर्ज हैं, उसके बाद भी तुम जैसे दिवालियों को मैंने कर्ज देकर तुम्हारी मदद की, समझे? इसलिए कि तुम मेरे गांव से हो। और रही कल्याणी की बात,
वो तुमसे बिल्कुल खुश नहीं है। उसे गिरवी रख के पैसे तो कमा सकते हो। प्लीज फैमिली के बारे में कुछ गलत मत बोलो, तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। मैं पीठ पीछे कभी कुछ नहीं बोलता, मुझे मेरे पैसे दे दो मैं चुप रहूंगा। सोनी फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मैं वहां आता हूँ। फिलहाल तो जाता हूँ। वैसे एटीएम से कुछ पैसे निकालकर पॉकेट में रख रहे थे ना तुम, ये मुझे चाहिए। फिलहाल इससे मैं काम चला लूंगा। बाय सनल भैया। ओह जीसस। अरे अरे वो मेरी दारू है भाई। अरे उसे पीके खत्म मत करो, नहीं है दारू। अरे मेरे विजय भाई, जिसने हमें पैदा किया है वही हमारी रक्षा करेंगे। जब देखो कुछ ना कुछ बोलता है। कौन है? अरे सनल होगा, फोन करके बोला कि यहाँ आएगा वो। अरे सुनो, क्या तुम जाके उसे बुला के लाओ। ठीक है देखता हूँ। हाँ? जल्दी बंद करो। हाँ? उस एडवोकेट से अपनी जान बचाकर आ रहा हूं मैं। हाँ? क्या से खुशबू आ रही है? मछली तल रहे हो? कुछ नहीं तल रहा है, आज मैं भी मछली खा के ही जाऊंगा। रम है या ब्रांडी? अरे कुछ भी देखे, अरे रात के रखी है और छोड़ो। हमें एक भी नहीं मिलेगा, ये पूरा खत्म कर देगा। अच्छा तुम्हें भी ये बुरी लत लग गई? तीखी चीजें खा खा कर ये लोग पागल हो गए हैं। सुबह लैट्रिन जाते वक्त बहुत जलन होती है भाई। इस दुबई में रहकर मिल्ट्री रम पीने वाला मैं एक ही है, और कुत्तों को भी बुलाता हूँ। कुत्ता तू अपने बाप को बोलो। अरे तो कुत्ता नहीं सुअर है। ओ बकवास बंद कर। क्या देख रहे हो, खाना बना रहे? जरा तुम बाथरूम जाकर देख कर आओ। अरे वाह, बाथरूम की सफाई करूँ क्या? क्या बना कर रखा जरा देखो। ये आदमी पागल है। अरे डेली 3 अंडरवियर धोता है ये पंडित जी, लेकिन हम लोग तो एक महीने में एक ही अंडरवियर धोता है भाई। अरे कौन है, कौन है? ओनो कल्याणी का फोन है, बेचारी बुला रही है मुझे। अरे वो तो नारी है, बेचारी कब बन गई। मैं चला। अरे खर्च के लिए पैसे देना। मेरे पास नहीं है। सुजीत को आने दो, उसके पास माया का दिया हुआ कुछ पैसे तो होंगे, उसमें से तुम कुछ ले लेना। मैं उसको भेजता हूँ जल्दी। ओके तुम लोग पी लेना। हम लोग कैसे पियेंगे, दारू की बोतल खरीद के रखी है क्या? थोड़ी बहुत वो भी पी ले, उसमें कैसे भरेगा? टैंकर आएगा भर लेना। मछली खाए पेट भर लूंगा। जल बिन मछली, नुत्र बिन मछली। ये लोग रोज रोज नई गाड़ी में जाते हैं और हम उसी खटारे में जाते हैं। मिडिया सो गई, सुला दिया ना। मेरी लाडली। मेरी सो गई। तुम मुझसे खफा हो क्या? कहो ना। प्यार व्यार छोड़ो, जाओ यहाँ से। सॉरी, उस मूड में जानबूझ के नहीं, अनजाने में बोल दिया। खैर छोड़ो, 100 times सॉरी, जरा माफ कर दो ना। सब कुछ करने के बाद बस सॉरी बोलते हो। तुम्हारे पास दारू के लिए पैसे हैं, बस मेरे लिए और बच्ची के लिए पैसे नहीं हैं। बोलो बेटी, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ क्या कमी रखी है? बोलो, इस बाबा में क्या कमी है? बोलो,
तुम कमियों के पुतले हो, बस कमियां ही कमियां। तसल्ली हो गई? मतलब बड़ोस उनकी तरह तो इधर उधर नहीं भागेगी? ही चाहिए। आज के खाने में मजा आ गया। आराम रखने की तो जरूरत ही नहीं थी, सही समय पर चिल्ला कर जगा देता है। दिमाग खराब कर दिया इस पागल ने। अगर वो उठा के ले गया होता तो पता चलता, इस तरह पेश नहीं आती। कल्लो, क्या है? किससे बात कर रही थी? क्यों पूछ रहे हो? यही कि जब मैं बाथरूम में था ना, किसी की आवाज सुनी मैंने। वो माया देवी थी। माया? इतने सवेरे क्या बात हो गई? चाय पत्ती खत्म हो गई। ये क्या है? चाय पत्ती नहीं है, वरना हम चाय बना लेते हैं ना। ओके, चाय पत्ती आते ही बुला लूंगी। हाँ, अच्छा मैं जाके व्यायाम करूँ? हाँ जाइए। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। अरे, अरे तुम हो? किस तरह परेशानी में भी तुम गाना गाते हो। कल्लू ने कुछ नहीं बताया। गाना गा के ही मैंने उसे फंसाया था। नीचे जितने भी दुकानदार हैं ना, लड़कियां उनसे उधार मांगे तो कोई बात नहीं, हम अगर उधार मांगेंगे तो नहीं देंगे। तुम जाके जरूरत की चीजें लेकर आना वहां से। मुझसे नहीं होगा, पिछली बार जो चीजें ली थी उसके भी पैसे नहीं दिए हैं। वो हाँ मैं देख लूंगा। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी को नरक बना दिया है। क्या हो रही है? अरे हाँ सनल, तुम्हारे दिए हुए चेक को बाउंस होके 2 हफ्ते हो गए। उस बात को छोड़ दो, अगस्त में करंट का अगस्त में करंट और वाटर का बिल तूने भरा नहीं। सिर्फ तुम ही इस फ्लैट में ऐसे आदमी हो। 2 दिन पहले ही करंट और वाटर को कट करने बोला था। ऊपर से तुम इंडियन हो। तुम्हारी हालत देख के मुझे तरस आ गई, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। मगर अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे मेरे भाई, मेरी नौकरी चले जाएगी। 3-4 दिन की मोहलत दो मुझे। कई साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं ना,
मैं भी दूसरों की तरह सही वक्त पर दे रहा था ना। ये सब मुझसे मत बोलो, ये तुम ऑफिस में जाके बोलो। तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं तुम्हारी तरह बाल बच्चों को भूखा छोड़कर नहीं जा सकता। जबान को लगाम दो। ए, क्या? ये तुम्हारी जागीर तो नहीं है ना? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फ्लैट में रहने वालों को गाली देने का हक किसने दिया तुम्हें? मैं जान के ही रहूंगा। चल फुटबे यहाँ से। तू मुझे कानून सिखा रहा है? फुटबे? कमीना कुत्ता। कभी ना खत्म होने वाली परेशानियाँ। केस की कोई कमी नहीं है, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। फ्लैट के मालिक ने भी केस दर्ज कर दिया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आखिर इस तरह कब तक छुपते रहोगे? अगर हम भी पकड़े गए तो क्या करोगे? तुम लोगों को मैंने उसी दिन कहा था कि तुम्हारा पैसा मैं तुम्हें गांव आके दे दूंगा, लेकिन तुम लोग माने तब ना। तुम लोग गए नहीं और इल्जाम मुझ पे थोप रहे हो। इल्जाम नहीं लगा रहे, आखिर कब तक इंतजार करेंगे? हमें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे लगता है कि खाली के देश में हम लोगों को घुट घुट कर मरना ही पड़ेगा। हाँ वही समझो। तो क्या हुआ? तो हमें घुट घुट कर मरने के लिए तुम यहाँ छोड़ के जा रहे हो? जरा हमारी फैमिली के बारे में सोचो ना। तो तुम लोगों का ख्याल कौन रखे? भाई छोड़ो, चलो। अच्छा कहाँ जा रहे हो भाई? आओ ना, बहुत दिनों से झेल रहा हूँ तुम लोगों को। अरे रुको रुको, आगे चढ़ोगे तो क्या जल्दी उतरो? मैं आगे से चढ़ता हूँ। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आपसे नहीं मिल सके इसलिए वो बहुत गुस्से में है, और फिर प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद हम वहाँ आ जाएंगे और फिर हमेशा आपके पास ही रहेंगे। मीनू, दर्द हो रहा है। कौन है? मीनू बिटिया, जरा बुलाओ उसे। बेटी यहाँ आओ, तुम्हारे दादाजी तुमसे बात करना चाहते हैं। जल्दी आओ ना बेटी। मीनू बेटे। आओ माय दीदी, मेरे ससुर जी हैं। अच्छा, कहीं है पड़ोस के बाजू वाली लड़की तो नहीं? हाँ ठीक है, फोन रख दो। सनल से बात करके बहुत दिन हो गए, उससे कहना मुझे फोन करने के लिए। हर महीने वो अपना नंबर बदलता रहता है, मैं उसे कैसे कॉल करूं? ठीक है। और उनका इकलौता बेटा है मेरे पति सनल। सनल वहाँ नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बाबूजी को यहाँ पर लाएंगे, ऐसा बोलते रहते हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, ये बाबूजी को पता नहीं है। तुम्हारी सास मर गई फिर भी तुम लोग जा नहीं पाए, इस बार कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। ओह सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। उन्होंने बिटिया को देखा तक नहीं, इसीलिए बोल रही थी मैं। ओह वो सब छोड़ो कल्याणी, आज खाने में क्या स्पेशल है? वो मीनू यहाँ आओ ना। नहीं। सुनो मीनू, आंटी तुम्हें बुला रही है ना? यहाँ आती हूँ तो मुझे चैन मिलता है। दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरी और कोई सहेली भी नहीं है। तुम्हें देखकर मेरा सारा दुख दूर हो जाता है दीदी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, नहीं तो कहीं नौकरी कर रही होती। उनका फोन है। ओके कल्याणी, मैं चलती हूँ, लंच ब्रेक होगा इसलिए कॉल किया है। मैंने क्यों कट किया? तुम्हें समझना चाहिए, मैं कल्याणी के पास थी। पहचाना नहीं उसने तुम्हें, लेकिन मैं घबरा गई थी। अच्छा सुजीत का ऐसा कौन सा दोस्त है यहाँ? आजकल वो कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। एक तो वीजा पासपोर्ट हाथ में नहीं है, अगर किसी लड़की ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की तो उसका सर धड़ से अलग कर देगा, जानते हो ना। हाँ वो वहां से इसलिए गायब हुआ कि सोनी के गोडाउन तक पहुंच पाए। सोनी ने उसे फंसा कर रखा हुआ है, अक्सर फोन भी करता है और बाटली भी खरीद के देता है। तो ये बात है, दाल में कुछ काला जरूर है। अक्सर दारू खरीद कर देना, सलाला जाना यहाँ से पैसे कलेक्ट करने के लिए और गुंडागर्दी करने के लिए सोनी भाई उससे बेचता है, सुना मैंने। और उसकी थोड़ी बहुत कमाई तो होती है। कम से कम वो पैसा तो बना रहा है ना, हमारी तरह उल्लू बन के घूम तो नहीं रहा ना। तो फिर एक काम कर, जाके ढाका डाल, नहीं तो किसी लड़की का दल्ला बन जाओ। अरे क्या बोल रहे हो? बहुत हो गया। अरे मोहन ये क्या कर रहे हो? बात के लिए क्यों लड़ रहे हो? क्या उखाड़ेगा? चलो इधर तुम। स्वामी जी आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? चाहे कुछ भी हो उस पर हमें नजर रखनी होगी। अगर कहीं से दो पैसे मिल रहे हैं तो मिलने दो, ये सोचकर मैं भी चुप रहा। अब जाकर पता चला कि वो तो एक नंबर का फ्रॉड है। आओ चलो जाके गाड़ी में बैठो। आज आगे नहीं पीछे बैठेगा तुम। और मैं पीछे बैठ जाओ। आगे से चढ़ू क्या? अरे वो क्या ये मिलने की, ये मेरी परमानेंट सीट है। मैं चढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम अरबाब। वालेकुम सलाम, व्हाट डू यू वांट? आई एम ऑल राइट।
Where is the rent? I need some more time, Arbab. No. I'll give you 2 more days. Otherwise, I'm going to call the police, okay? Listen, Arbab. No. Don't waste my time. Go. मैं बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कुछ दिन की मोहलत चाहिए। Don't you understand? Go! Just leave. कुछ दिन की मोहलत मिल गई। See you. मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अगर उर पावे। अरे सनल, सनल, अरे रुक, अरे पागल इस बूढ़े को दौड़ा रहे हो तुम? कितनी बार मैंने तुम्हें फोन किया? कब? तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते क्या? और उठाते भी हो तो कहते हो सर मैं मीटिंग में हूँ, मैं बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। खाक मीटिंग, अरे उल्लू मत बनाओ। सनल मजाक छोड़ो, ये तुम्हारा हिंदुस्तान नहीं है, ये अरब कंट्री है। हैं? अरे अरे रुको, भाग रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है? रुको, कहाँ है ये? अरे कहाँ भाग रहा है? रुक रुक, अरे पकड़ ले, रुक गया। कहाँ भाग रहा? खुद को पुलिस के हवाले कर दो, जेल जाओगे तो सारे केस से बरी हो जाओगे। अच्छा, इस देश का कानून ही कुछ ऐसा है। अच्छा आप एक काम कीजिए, कल सुबह मैं आपके ऑफिस में हाजिर हो जाऊंगा। अरे सनल, तेरे जैसे कईयों को देखा मैंने। वकील साहब, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों की तो बात है। अरे तुम्हारे ऊपर 10-15 केस तो दर्ज है, विजय माल्या समझ रहे हो? 420 का तो केस है, खून का तो नहीं? देख, इससे बेहतर है कि 2-3 खून करके आराम से घूमते रहना। तुम्हारे परिवार की हालत से वाकिफ हूँ मैं। और हाँ, अगले महीने की 1 तारीख को तुम उन मजदूरों को यहाँ से भेजने का बंदोबस्त कर दो, और कल तक मुझे मेरे पैसे मिल जाना चाहिए। हाँ अच्छा, तुम्हारे डैडी कैसे हैं? जब भी बेचारा वो फोन करता है तो चोरों की तरह मैं फोन कट करता हूँ। उन्हें मैं किस तरह समझाऊंगा? उन्होंने तुम्हें बड़े लाड़ प्यार से पाला है। एक और बात, कल सुबह 9 बजे तुम मेरे ऑफिस आ जाना, पैसों के साथ, भूलना मत, सुन लिया ना? मुफ्त में नसीहत दे के चले जाते हैं, उसके बदले कुछ पैसे दे दिए होते। यहाँ तो सिर्फ नसीहत देने वाले होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा कि चाहे किसी भी जरिए से पैसे कमा लो, पैसे में जो ताकत है वो किसी में भी नहीं, और पैसे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मार्केट का पैसा, यहाँ तक आप लोगों से भी, मार्केट से छोटे ब्याज में लेकर 10-15% देकर मैं ज्यादा पैसे कमाता हूँ। यहाँ तक तुम लोगों को भी ब्लैंक चेक दिया है, ये तुम लोग नहीं भूलना। देखिए, हमें 6% देके आप 20% लेते हैं ना, सुनिए 1% दीजिए। पटेल, मैं तुम्हें 8% भी दे सकता हूँ। यूँ मैंने मजाक किया, आप बहुत अच्छे हैं। वो जो मैथ्यू साहब है ना, वो बहुत ही खतरनाक है। खतरों से मैं खेलता हूँ, क्योंकि खतरों से खेलना मेरी आदत जो है। तो खतरों से खेलने वाले को अच्छी आमदनी तो होनी चाहिए ना, है ना? सुजीत, तुम चलो मेरे साथ। अच्छा, अरे यार सुजीत, जरा उसका फ्लैट तो दिखाओ ना। दिखा देता हूँ यार। ए सनी भाई, इस पे विश्वास मत करना, इसने मुझसे भी वादा किया था लेकिन वादा निभाया नहीं इसने। सनल की पत्नी कल्याणी और फिर अकाउंटेंट स्वामी को उठवाने का वादा किया था इसने, लेकिन गोविंदा। अरे क्या हो गया? तुम्हारे हाथ में जो अरबपति लौंडा है ना, कमीशन का मामला है यार सुजीत। सोनी भाई, हाँ जरा आप उनको भी साथ में ले लो। यस। हे, कल दोपहर तक देखूंगा, उसके बाद बिजली कट करवा दूंगा, और फिर परसों पूरा पैसा नहीं मिला तो बोरिया बिस्तर लेकर बाहर चले जाना। और सुनो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ए, पहले इस लिफ्ट की फोन तो ठीक करना, तुम बातें करता लगता है। लगता है ये मुझसे मार खाए बिना नहीं जाएगा। किराए के लिए क्या सोचा है तुमने? आज क्या करिए, जोरों की भूख लगी है, खा के नहा लूंगा। सुना नहीं तुमने किराया का पैसा मिला कि नहीं? वो नाथुर आया था, कह रहा था कि 2 दिन में अगर किराया नहीं दिया तो हम पर केस ठोक देगा। परसों ही केस, वो मुझसे खेल रहा है जिसके ऊपर 18 केस दर्ज जो है। सुनो, एक नया केस बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। सनल मजाक मत करो, करंट और पानी कट किया तो हम लोग कहां जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं,
जानते हो आदम और हव्वा बहुत बरसों तक इन सब के बिना मानव के रूप में जीवन बिताया। हम लोग उनके समान जीवन नहीं बिताएंगे। अजी हम जीने वाले नहीं हैं, सामूहिक आत्महत्या करेंगे। बेटी की भी फिक्र नहीं है सिर्फ। बिजली कट करने के खातिर आत्महत्या करने वाली सर्वप्रथम महिला मेरी पत्नी ही होगी। बेटी हम लोग आज घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम रेडी हो जाओ। ठीक है। देखो उस छोटी बच्ची के मन में आशा के फूल मत खिलाओ तुम। देखो आजकल तुम कुछ ज्यादा ही सीरियल देख रही हो, कम्प्लीटली बदल गई हो तुम। कलो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ विजय भाई, हम लोग दो दिन यहाँ नहीं होंगे, घूमने जा रहे हैं। डैडी यहाँ तो पहाड़ है। मैं तुम्हें बीच लेके जाऊंगा किसी और दिन। ओके बेटी अब तो खुश हो ना। डैडी वही घर है, क्यों ना हम वहाँ तक पैदल चलते हैं। जगह देखकर मुझे डर लग रहा है। अरे कितना मजा आ रहा है, इन पर्वतों के आसपास सिर्फ हम ही हैं। अरे असलम भाई, भाई असलम भाई, चेन है, इसे बेचकर किराया भर दो तुम। ये चेन दो दिन पहले ही दी होती तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी। जरूरत के बाद कोई नहीं देता है, जब कोई मरने के कगार पे होता है तो फट से मदद करने के लिए आते हैं। बकवास बंद करो, ध्यान से सुनो, इस मंगलसूत्र के अलावा और कुछ नहीं है। कल सुबह ही होकर आओ तुम, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। कल नाश्ते के बाद मैं निकलता हूँ, दुनिया के किसी भी होटल में जाके खाओ, तुम्हारी कुकिंग के सामने वेस्ट है सब। अगर ग्लास के बिजनेस के बदले तुमसे नसीहत लेकर अगर मैं तुम्हें ही कुक बनाकर अच्छा होटल खोलता। मुझे तुम चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, खाना खाने के बाद तुम चले जाना, ठीक है। पहले मैं इस घड़ी को ठीक करना चाहूंगा। क्या हुआ? मेरा टाइम ही कुछ खराब है। हेलो सनल, मैं सानी बोल रहा हूँ, फटाफट तुम हमारे पास आ जाओ। मामला क्या बताओ? बहुत जरूरी बात है, कहा ना जल्दी आ जाओ, हम बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। हाँ अभी आता हूँ मैं। असली डॉलर वो लोग लेकर अफ्रीका भाग गए, इनके पैसे लूट गए, अब ये लोग बेचारे क्या करेंगे। टोनी बोल रहा है असली डॉलर वो लोग इसके हाथ से लेकर भागे, गलती इसी की है, अब रोने से कोई फायदा नहीं, अब हम सब लोग जेल में बैठ के चक्की पीसेंगे। ओ माय गॉड, सब अंदर हो जाएंगे तो ही इसे खुशी मिलेगी। ये और वो सोनी
देख मामला गंभीर है, तूने बिजनेस में पैसे डुबाए, ऐसा मामला नहीं है ये। स्मगलिंग है स्मगलिंग, आजीवन जेल में सलाखें गिनते रहेंगे हम लोग। इसके पीछे स्कॉर सोनी का ही हाथ है, हरामखोर बेटा से गुड़ी खाने नहीं, तुझे पता है ना? मैंने सोनी के साथ मिलकर किसी को धोखा नहीं दिया, हाथ में पैसे भी नहीं थे। तुम खामखा इल्जाम लगा रहे हो, गांव जाना तो दुश्वार हो गया। गांव जाके क्या उखाड़े हो तू, तू कहीं नहीं जाएगा, तेरी तो मैं। अरे रुक, चुप छोड़ मुझे। सनल तुम चुप रहो, इस हरामी ने दिमाग से काम लो, मेरी बात सुनो। किसी ना किसी तरह से इनके पैसे सेटल, कैसे सेटल करूं, जो होना था वो हो गया। आप बहुत भूल जाइए, इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Stop it, the both of you. Give me the bag. Give it to me. Give. Take this bag and get my cash back. It's not mine. ये मेरा bag नहीं है. This is not my bloody bag. No, you are the boss. Give me back my money or else I'll shoot you. You might. I have no money, please. बस क्यों ले रहे हो? Oh God. अरे हाथ में दम्बूक है. This is not enough. Please try to understand. I need more money, okay? I have no money at all. And if you don't give me back my money, I'll kill you. I swear I'm not joking. मेरी कार की चाबी. मेरी कार की चाबी. Where's my money? Give it back to me. My car. Take your bag. Your car, your engine, everything's finished. Go find it in the scrapyard. Let's go. अब तो खुश है तू? देखा किस तरह घूर रहा है यार? आज इसकी चाबी दे रहूँगा। किराए का पैसा मिल गया ना? जवाब दो सनल, आखिर तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं? हमें बिजली और पानी की जरूरत नहीं है, हम किशोर भैया से पैसे मंगवाते हैं। आओ आओ, कम से कम मेरी बात तो माना करो। आओ। तीन दे की जो पैसा मिला, आज उन पैसों को सुजीत के कारण मुझे गंवाना पड़ा, पता है? क्या करूं मैं? चलो हम लोग। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? प्लीज वहाँ, प्लीज आओ आओ बेटी। हाँ। कल्याणी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ठीक है, हाँ हाँ ओके। किसका फोन है? हाँ, हाँ, हेलो, एक सेकेंड। हेलो, ये लीजिए रिसीप्ट, टिल डेट तक भुगतान किया मैंने, कम से कम अब तो अच्छी तरह जीने की कोशिश करो। तुम जाओ यहाँ से। हाँ बोलिए। यहाँ फैसला करने वाला कौन है? इसका भुगतान किसने किया? ओ, समझ गया, तुम्हारा वो किशोर होगा। तूने मेरी चेन और बिटिया की चेन को बेचकर किसी और को दिया। मुझे गाली देना बंद करके उस कमीने से पैसे लेकर आओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? मत कहता है खुद को। जब से कंगाल बनाओ तब से देख रहा हूँ मैं, तुम बदल गई हो। अगर मैं यहाँ रुका तो वो सब देखना पड़ेगा जो नहीं देखना चाहता। मेरा बिजनेस, मेरे सबने सब कुछ तुमने चकनाचूर कर दिया, अब क्या उखाड़ेगा तू? यार सनल बैठो ना। मैं बाराती बन के नहीं आया यहाँ। क्या चाहते हो तुम मुझसे? मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन याद रखना तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जख्मी शेर हूँ मैं, उसने मेरी मर्दानगी को चुनौती दी है, पता है? ये उन सब केसों से अहम है मेरे लिए। तेरा खून करके मैं जेल में जिंदगी गुजार लूंगा, कल जो कुछ भी हुआ उसमें तेरा और सुजीत का ही हाथ है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ हरामखोर पे। सही कहा, काफी अकलमंद हो, मगर
तुम्हारा ये गुस्सा तुमको ले डूबेगा, वरना तुम यहाँ आके मुझे चुनौती देके खुशी से यहाँ नहीं जी पाओगे। अपने आप को बचाने के लिए मुझे मारना होगा तुमको, नहीं तो फिर मैं तुम्हें यहीं टपका दूंगा। हरामखोर, मुझसे मत भिड़ना तू। तो फिर मिलते हैं। जरूर मिलेंगे। Where is Sanal? We are from the police department. Call him fast. Sanal? Kya hai? Sanal? Haan? Kaun hai? Sanal. Wo. Calm. Tum Sanal, calm. Karo, tum andar jao. Sanal? Just calm. Mujhe kuch nahi hoga. Meri baat mano, mujhe kuch nahi hoga. Sanal? One minute, sir. Kahan le ja rahe? Please, one minute, sir. Sir, please. Sanal? Try to understand me, please. Kalyani, meri baat suno, tum andar jao. Just calm. Sanal? Please, calm with us. Mujhe meri wife se baat karne do. Vakil aur Sami bhai ko phone karna. इसके पीछे जरूर सोनी का हाथ है, तुम फिक्र मत करो। पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो, जैसे जैसे जान बची पता नहीं क्या क्या करके आ रहे थे। हाँ, नहीं तो। बेटे कैसी हो तुम? बिटिया को कुछ दिया क्या? बहन तुम बैठो। कोई बात नहीं बेटी, ये सैंडविच है, तुम जाकर खाओ इसे। बेटी खा लो। हम लोग सुबह से भूखे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए लाए हैं। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। चुप करना मुराद। क्या होटों की लाली चुरा लूं क्या? आटो ना। अरे ये क्या, तेरा भी दिमाग खराब हो गया भूख से? आगे क्या होगा ये सोचकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम दिमाग मत खराब करना, आगे क्या होगा देख लेंगे हम लोग। वैसे भी इस नमूने को केस के बारे में पता क्या है? ये क्या बोल रहे हो, केस के बारे नहीं बोल रहा था मैं। फिर क्या बोल रहे थे? वहाँ घर में दाल चावल कुछ भी नहीं है। अरे बिटिया, चावल मिलेगा थोड़ा बहुत। इज्जत की धज्जा मत उड़ा नमूने। अरे लालू, मैंने तुमसे कई बार बोला कि नमूना मत बोल मुझे। मोहन ने क्या कहा जो तू आग बबूला हो रहा है? नहीं, उसने मुझे नमूना जो बोला। अगर नमूने के बदले मुन्ना बोला होता खुश होता मैं। एडवोकेट को जरा फोन करना, सुना है कि वो तुम्हारे ससुर के फ्रेंड है। फोन करती हूँ। पैसे लिए बिना कोई वकील काम नहीं करेगा, तो फिर जेल में ही सरना पड़ेगा। कम से कम समय पर जेल में भोजन तो मिलेगा। वैसे भी ये वकील क्या खा करेगा, है ना वैसे? अरे मुंह बंद कर, वो बेचारी पहले से ही दुखी है, तुम उसे और दुखी कर रहे हो। अरे जरा बेटी से बात करने। चुपचाप शराफत से बाहर चला मेरे साथ, मार मार के खत्म कर निकाल दूंगा। चलता हूँ। अरे मुंह बंद कर, बोलना मत, चुप कर। दीदी। हाँ? उन्हें पुलिस पकड़ के ले गई क्या? बहुत लोगों से कर्ज लिया है ना, चेक बाउंस केस है क्या? दीदी, मालिक ने हमसे कहा है कि आपको कोई चीज उधार में ना दे, और उनकी बात को हम ठुकरा नहीं सकते। हे नासिर, इन्हें जो चाहिए दे दो, मेरे खाते में लिख लेना तुम।
सुबह होते ही शुरू कर दिया। तो जानू मानू तुझे मैं राम राम नहीं तो कर तुझे बदनाम। छे एक बूंद भी नहीं है, अब क्या होगा भगवान। हाँ पैदा किया तो इसके लिए भी कोई रास्ता दिखाएगा, देखते हैं। बेशक मोहन, रास्ता तुम्हें जरूर दिखाएंगे वो। देख भगवान के एक झटके में सारा नशा हिरण हो जाएगा। नौकरी किए बगैर अब यहाँ रहना मुश्किल हो गया है, कब तक दूसरों की भीख पर जीते रहेंगे। सिर्फ खाना ही नहीं, फ्लैट का किराया, करंट, पानी, सबका बिल भरना है। उफ़ वो बात नहीं, पहले से ही बहुत पैसे ले चुके हैं इसीलिए बोल रही थी। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए जीने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किसी आईटी कंपनी में मुझे नौकरी तो नहीं मिलने वाली, वैसे किसी आया का काम या झाड़ू पोंछा करने का काम, और फिर इस देश का ड्राइविंग लाइसेंस भी है मेरे पास, किसी भी तरह कुछ करो ना मेरे लिए। किशोर भैया कोई आया है, मैं अभी आती हूँ। कुछ आपके लिए लेके आया हूँ, ले लीजिए ना। नहीं यहाँ सब कुछ है। देखिए ये मैं आपके लिए खरीद के लाया हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा राशन ही है। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, मैं कुत्ता हूँ, रखवाली कर रहा हूँ, यही है मेरी नौकरी, यजमान के आदेश पर भौंकना। मुझे गलत मत समझना, मैंने अगर तुम्हें ठेस पहुँचाई है तो मुझे अपना भाई समझ कर तुम माफ कर देना। कुछ भी चाहिए तो मुझे एक फोन कर देना। कल्याणी और मीनू के कागजात क्लियर करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, सारा इंतजाम करने के बाद मैं फोन करता हूँ। और फिर आने वाले फ्राइडे सनल से मिलने का परमिशन भी मैं तुम्हें जरूर दिला दूंगा। और हाँ मैं उनसे डिटेल में बातें कर लूंगा, और इसमें जहां निशान लगाया वहां साइन कर देना तुम। हाँ। मीनू बेटी घर में अकेली है क्या? नहीं उसे पड़ोस के घर में छोड़कर आई हूँ। ओह अच्छा ओके। ओहो तुम्हें यहाँ किसने बुलाया अभी? तुम्हारी आंखों ने मुझे बेकरार कर दिया। कल्याणी की बेटी यही है अभी। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा? नहीं नहीं अभी आ जाएगी। मैंने तुम्हें तभी कहा था। ओह गॉड कल्याणी होगी। ओह नो कल्याणी है। शिट अब क्या करें हम? मैंने तुम्हें तभी कहा था। मीनू बिटिया वहां सो रही है, वो जरूर उसे लेने के लिए आएगी, मैंने कहा था ना। अंदर जाऊं क्या? तो वहां भी आएगी ना, वो भी सती सावित्री नहीं है, उसका टांका बिड़ा है एक बिजनेसमैन से। कौन है वो? मैंने कई बार देखा है, वो बार बार यहाँ आते हैं। तुम्हें पता है उन दोनों के साजिश से ही सनल को पुलिस पकड़ के ले गई, मैंने उन्हें फोन करते हुए देखा है। खतरनाक औरत है। ओह गॉड मैं उसी आदमी का जिक्र कर रही थी। घर
घर में माया नहीं है क्या? होगी, उसी के भरोसे मीनू को छोड़कर आई हूँ मैं। उसी के पास घर की चाबी भी है। फिर क्यों खोल नहीं रहा? मैं खोलता हूँ डोर, जो होगा देखा जाएगा। अरे सुजीत, तुम कब आए? ये यहाँ कैसे? जिस तरह तू यहाँ है ना, उसी तरह मैं भी आया हूँ। सुजीत, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे नहीं, तुम्हें आनी चाहिए। सनल भाई को पकड़वा के अब समझ गया तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। और तुम लोगों ने इल्जाम सोनी और मुझ पे थोप दिया। तुम दोनों के नापाक इरादे कामयाब नहीं होंगे। कल्याणी क्या सोच रही हो? चाबी यहां लाओ। बेवकूफ लोग बहुत कुछ बोलेंगे, उन्हें तुम इग्नोर कर दो। चलो। ले वेट, बिटिया को सुलाओ। सॉरी किशोर भैया। किस लिए? एडवोकेट के कहे मुताबिक इन सारे पेपर्स पर साइन कर देना और दो तीन जिराक्स भी ले लेना। कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है तुम्हारे भागी से उसका भी भाग चमकेगा। ओ गॉड, समय बहुत हो गया, 2 बजे एक अर्जेंट मीटिंग जो है, जाना है मुझे। तो फिर चलो, फोन करना। जल्दी पत्ते फेंक, लेट क्यों कर रहा है? देख रहा हूं। क्या हुआ? हाँ, तुम दोनों हमेशा खेलते ही रहो। वो कब हम लोगों को अंदर करेगी कुछ पता नहीं। वो कौन? तुम्हारे सनल की बीवी, बेचारी औरत, मासूम औरत, खाना बनाने में माहिर वो मासूम औरत, इसी तरह बुलाते थे ना आप लोग। वो सिर्फ खाना बनाना ही नहीं जानती, समझ गए? अरे घुमाए बिना बात बोलो ना, और उसने तेरे साथ कुछ किया क्या? मुझे क्या करेगी, मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। मुझसे पंगा लिया तो मर जाएगी वो। उसने अपने आशिक के साथ मिलकर सनल को अंदर करवा दिया। चश्मदीप गवाह माया है, आज मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया, पता है? अगर विश्वास नहीं है तो आप उसी से पूछिए, पूछिए ना। ये क्या सुन रहा हूँ, विश्वास ही नहीं हो रहा। ये यूं ही बकवास कर रहा है? हाँ, सही है, इसका दिमाग सोनी ने खराब कर दिया है। इसके सर पे बहुत जो सवार है। सही कहा, आजकल ये कुछ जल भुन गया है, इसलिए इस तरह बोल रहा है। हाँ, देखो जब तुम लोगों को मार पड़ेगी तब पता चलेगा। अरे स्वामी जी, जब ये दावे के साथ बोल रहा है तो दाल में जरूर कुछ काला है। मेरी बात सुनो स्वामी जी, आप वहाँ जाके देख कर आइए। उसकी जरूरत है क्या? अरे जरा जाके आओ, जाके आओ। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो मैं जाकर आता हूँ। ठीक है ठीक है, जाओ। वो शर्ट उठा के देना। अरे खुद जाके ले लो ना, हम खेल रहे हैं। मैं कैसे जाऊँ, बीच का रास्ता घेर के रखा है, वहाँ से शर्ट उठा के दो। तुम्हें शर्ट चाहिए तो ले लो। हाँ हाँ, वही काली वाली लेना। हाँ हाँ, काली वाली, काली वाली। ओके, पकड़ो। किसके? आजा, मैं नहीं आता। आजा ना। सनल। कल्याणी, तुम वहां खैरित हो ना? कल वकील साहब यहाँ आए थे, वो हालचाल पूछने के लिए आते हैं ना। जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके वो तुम्हें और बिटिया को गांव भेजने वाले हैं, मगर वो खर्च के लिए पैसे भी देने वाले हैं, पता है? क्या मैं काम पे जाऊं? किशोर भैया भी काम ढूंढ रहे हैं, काम जाएंगे तो मिल के जाएंगे। अच्छा मजाक कर लेती हूँ, ये सब नहीं होने वाला है कल्याणी। केस के खत्म होने तक मुझे यहाँ रहना होगा। कैश डिपॉजिट करने के लिए कोर्ट ने जो भी समय दिया था वो भी पूरा हो गया। तुम एक काम करो, तुम्हारे पेपर्स रेडी होते ही तुम लोग गांव चले जाओ। तुम्हें अच्छा खाना मिल रहा है ना? यहाँ जेल में बिरयानी वगैरह देते हैं, लेकिन कुत्ता भी उसे नहीं खाएगा। तुम्हारी कुकिंग के सामने सब बेकार है, बेटी को साथ क्यों नहीं लेकर आई? किसी लिए खामखा तुम्हारी दुर्दशा उसे दिखाऊं? अगर बच्ची का मन टूट गया तो। हाँ, टाइम फिनिश। हाँ, हाँ। कल्याणी, जाने का टाइम हो रहा है। अच्छा फिर ठीक है, गांव में मिलेंगे। ख्याल रखना।
हेलो, मैं यहाँ एक बंदे से मिलने आया हूँ जिसे ढूंढ रहा था वो मेरे नजरों के सामने है। ये बताओ, सनल को तुमने ही अंदर भेजा ना? खबर मिल गई, गुड जॉब। वो कौन था जिसने तुम्हारी मदद की? खैर उसे भूल जाओ, अगर जिंदगी में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो बेझिझक बोल देना। हाँ हाँ, तुम्हारे पति से जो पैसा मिलना है उसे भूल जाऊंगा। तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अरे सुजीत, आज मैंने उस लड़की को देखा, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है यार। देख भाई, जरा टाका भिड़ा देना। वो सब मैं देख लूंगा। देख मेरे भाई, तुम मेरे लिए बस इतना सा काम कर दो। ओ ओके यार, बाय। क्या हुआ सामी, आपका वो पार्टी, वो कैश पार्टी, उसका क्या हुआ? काम हो गया तो हमें भी कमीशन मिलेगा ना सामी? ये पार्टी कोई लफड़े वाली पार्टी तो नहीं है ना? अब देखिए, हम कैश पार्टी को सोनी से मिला देते हैं और उसकी जो गारंटी है वो सोनी भाई दे देंगे। आपकी पार्टी को सोनी भाई हर महीने ब्याज देते रहेंगे और अगर नहीं दिया तो पार्टी सोनी भाई को देख लेगा। हम केवल इंट्रोड्यूस करा देंगे, इसी तरह से हम भी दो पैसे कमा लेंगे ना। देखता हूँ। हाँ तुम देखते ही रहना, देखते देखते 4 साल उड़ गए, सुनहरा मौका इसे गंवाना मत सामी। यहाँ रोको गाड़ी को। ठीक है। अच्छा सामी, आजकल मारवाड़ी लोगों के पास पैसों की कमी है, इसलिए सोनी का धंधा मंदा है। कुछ दिनों के बाद सोनी को अच्छा फाइनेंसर मिल जाएगा, फिर हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आप कोशिश तो कीजिए, फोन में बैलेंस नहीं तो मेरे फोन से कीजिए। क्या नाम है उनका? हाँ वो बाद में कीजिए ना, 2 दिन में बोलता हूँ। तुम्हारा दो दिन कभी नहीं आएगा। ओके। ठीक है, शाम को मिलता हूँ। होटल बिजनेस बहुत ही अच्छा है कल्याणी, लेकिन हमें कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए कैसे आगे बढ़ेंगे हम यही सोच रहा हूँ। कोई अकाउंटेंट से शेफ का काम करने के लिए कहोगी तो वो भला कैसे कर पाएगा? पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाले हम जैसे लोग इसके अलावा और कोई काम भी नहीं कर सकते। मगर क्या करना है आप खुद फैसला कीजिए, 2 दिन में जवाब चाहिए मुझे। आपने बात नहीं बताई। अरे इन्हें क्या हो गया? अरे इस तरह उखड़ा उखड़ा बैठना छोड़ के बात क्या, बोलो ना। अरे बोलो ना। कल्याणी ने मुझे फोन किया, अब मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। वो एक होटल खोलना चाहती है, उसकी नई टीम को कोई पैसे भी देने को तैयार है। हम लोग तरकारी काटेंगे, बर्तन मांजेंगे, यही हमारे मुकद्दर में लिखा है, वो भी पिछवाड़े में रहकर। मैं जाना माना अकाउंटेंट हूँ तो मैं क्या बर्तन मांजूंगा? मेरा पारा चढ़ गया, मगर मैंने जाहिर नहीं होने दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तुमने सनल का हाल देखा ना? सुहाग को जेल भेजने वाली भला हमें बख्शेगी क्या? नहीं। वैसे तरकारी काटने, बर्तन मारने के लिए मेरा कुत्ता भी नहीं जाएगा। हाँ। और कोई काम नहीं है क्या? हाँ। इसकी खबर सोनी को लग गई तो फिर वो गई काम से। हाँ। देख लेना। सोनी 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 क्या? खुदा है तेरे लिए वो। अरे हमारे बीच में सोनी को क्यों नाते? हाँ। हो तुम, होटल शुरू होते ही हम उससे बोलेंगे कि हमारे लिए फूड वहाँ लेकर आए। हाँ। नहीं तो वो हम पर राज करेगी, उसके पति के स्टाफ है ना हम लोग, इसलिए होटल के काम के लिए हम नहीं जाएंगे वहाँ कभी नहीं। ए सुजीत, जरा मेरी बात सुनो, कल वो बंदा सोनी से मिलने के लिए जाएगा, सोनी का सेटअप देखने के लिए जा रहा है वो। अगर उसे अच्छा लगा तो पैसा दे देगा, बाकी तो सब भगवान के हाथ में है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें यहाँ जीने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ये छोड़कर होटल में सर्वर का काम तो मैं नहीं करूंगा। तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, बोल दिया। हम लोग क्यों जाएंगे, तुम्हारे दिल में उसके लिए बहुत प्यार जो था। देख महिला जात का कोई भरोसा नहीं है। हाँ ये तो 100% ठीक है। बोलते फिर पीछे भी भागते हो। हाय हाय। Hey, what is this? Ah, welcome, my dear. Let's go.
ये कौन है भाई? कहीं सीआईडी तो नहीं? लगता है ये सामी का भेजा हुआ आदमी है, हमीद यूसुफ। देखने से वही लग रहा है। यूसुफ हमेशा सडन विजिट ही करता है। ओ, हो सकता है भाई, हमें परखने के लिए आए होंगे। चलो देखते, चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। के फिलहाल? अल्हम्दुलिल्लाह। आई सोनी? या आई एम सोनी। आई एम हमीद यूसुफ, स्वामी ने बोला था। चलो हम लोग अंदर जाके बैठते हैं। नहीं, विल सिट देयर। ओ यस, कम। How's your business? किससे ज्यादा तुम ब्याज में पैसे देते हो? यहाँ बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं और फिर शॉप, ऑफिस वगैरह, और बहुत सारे इंडिविजुअल पार्टी भी है, और बाकी जो है वो आप तो जानते ही होंगे। Look, कितने लोग कर्ज ने चुकाए? कुछ भी नहीं। अगर अपन पैसा देना जानता है तो उसे कैसे लेना ये भी जानता है। Yeah, I need that only. और ऊपर से आप जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी का सपोर्ट हो तो देखता हूँ। डीलिंग परफेक्ट हो तो डरने की कोई बात नहीं, यानी कि तुम्हारे जरूरत के पैसे। डीलिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी सर। नो प्रॉमिसेस। फिलहाल मैं तुम्हें 2,00,000 रुपए देता हूँ। हाउ मच इज इट? 2 लाख यूसुफ भाई। सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट सब रेडी है ना? रेडी है सर। ये एक शुरुआत है, 2 लाख। मैं अपनी कुछ पार्टी को यहाँ भेज देता हूँ जिनसे मैं सीधा ब्याज नहीं ले सकता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम ब्रो। अ कॉल फॉर यू। हेलो, आईवा जैन, माफी मुश्किल। ओके, स्वामी से बहुत दिनों से बोल रहा था कि आपसे मिलाने के लिए, और आज आप मिल गए। भाई कल्याणी आ रही है। कल्याणी? वो यहाँ क्यों आई है? वाओ, मुझे क्या पता। Who's that girl? वो मेरी पहचान की लड़की है। ये साड़ी पहनने वाली लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। You know, I'm crazy about them. फिल्म देख के लार टपकाने के अलावा रूबरू इनसे मुखातिब नहीं हुआ। I've eaten only junk food. देखो, इसका पति सनल जेल में है, स्वामी की कंपनी का ओनर। अब तो और भी आसान हो गया। इस पंछी को पकड़ कर दोगे तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। छोड़ो यार, मेरे पास और भी लड़कियां जो है। तुम्हें दूसरी लड़कियां चाहिए हो तो मैं दिलाता हूँ। तुम्हें चाहिए कल क्लब में आ जाना। हाँ सुजीत, वो तुम्हें ना देखे, पीछे हटो। How old is she? 25 से 27 के अंदर होगी, that's all. Nice. वो रहा देखिए। कैसे आना हुआ? बाकी के पैसे लौटाने आई हो? तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सोनी, कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। मेरे कजिन किशोर होटल खोलने की प्लान कर रहे हैं। जानता हूँ किशोर को, मैं जानता हूँ, लोगों के मुंह से नाम सुना है। बात क्या है बताओ ना। अच्छे से कुक कर लेती हूँ मैं, कुछ लोगों की मदद से मैं यहाँ जल्द से जल्द होटल का बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ। कुछ पैसे देकर मदद करोगे मैं एहसानमंद रहूंगी। अगर पैसे दूंगा तो बदले में क्या दोगी तुम? चेक दोगी क्या? क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? कुछ भी नहीं है सनल का, बस चेक है। बिना किसी गारंटी के पैसे दे सकता हूँ, गारंटर तू ही है। कैश नहीं लौटाया तो ये नहीं, मैं डील करूंगा। हमारी डील शुरू होते ही ये पंछी हमारे जाल में फंस गई। सोनी, मैं गारंटी देता हूँ, वो कैश से दे दो। बस हर महीने कैश सोनी के ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारे होटल में आकर और तुम्हें अपने होटल में लेके जाऊंगा। यहाँ लाओ, इसमें पूरे 1,00,000 रुपए हैं। हे, साड़ी पहनना मुझे भी सिखाओगी तुम? ए हमीद भाई, ये क्या है? 1,00,000 रुपया दिया है, रिस्क है ना? कितने ही डांसर्स और आर्टिस्टों को 3 से 4 लाख रुपए एक रात के लिए दिए हैं। तुम्हें ब्याज ठीक से नहीं मिल रहा है तो तुम मुझसे बोलो, क्यों ये काम मुझसे नहीं होगा सोच रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। There you are.